इसका नाम कैप्रिकॉर्न है और बहुत ज्यादा प्यारा है ये, लेकिन मेरी वालिदा इसे घर में रखने की इजाज़त नहीं देंगी। परेशान मत हो, तुम जानते हो मैं उसका अच्छा ख्याल रखूंगी। और छोटा चूहा, ओ लोला प्लीज, हमारे पास पहले से ही कछुआ, खरगोश, चिड़िया है जो अपनी आवाज खो चुके हैं। पर मामा देखिए तो उनके पास कोई जगह नहीं है जाने को। लोला ये एक अच्छी बात है कि तुम जानवरों के बारे में सोचती हो, पर तुम्हें ये समझना चाहिए कि घर में कोई जगह नहीं बची है। मुआफ करना पर तुम्हें इसके रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। बात खत्म। वर्जीनिया ये बहुत अच्छा है। आओ, मैं नहीं जानती तुम इसे क्यों नहीं पहनती। कहाँ पहनूं? स्कूल में? माफ करना जानेमन, पर ये तो एमिलियो टोपी है। मेरी जान, मेरे पास तुम्हारे लिए टीवी से खबर है। बर्नाडेला हेरोद शहर में आ रही है। ओह, वो बूढ़ी अपने बदबूदार जानवरों के साथ। सुनो मेरी जान, बर्नाडेट चाहती हैं अपने छोटे जानवरों के लिए पैसे जमा करना, तो वो अपने अच्छे कपड़ों की नुमाइश रख रहे हैं। उसमें थीम रखी गई है तुम्हारे पालतू जानवर और तुम। वो भी आज के दिन। तुमने क्या सोचा मेरी जान? लोला ये तो स्कूल के कायदे के खिलाफ है ना जानवरों को लाना। तुम ही बताओ, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। लोला हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें सड़क पे एक कुत्ता मिला है जिसका आईक्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे अब्बू ने कहा कि तब यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। बहुत अच्छे पॉपी, पर हम इन्हें रखेंगे कहाँ? इतने सारे जानवर। सैटर्न ने प्लूटो के ऑर्बिट को पार कर लिया है। सब कुछ गलत हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो दोस्तों, हम स्कूल में जानवरों के लिए शेल्टर क्यों नहीं बना सकते? हाँ, हम हमारे बेघर जानवरों के यहाँ देखभाल कर सकते हैं। तो ये तय रहा, मैं जा रही हूँ टोपी पहनने, और मैं उस फैशन शो। अच्छा, मुझे बेचैनी हो रही है। पर ये अजीब है, मुझे बस एक ही चीज से परेशानी है, बिल्लियों से। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। वर्जीनिया हम एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम जानवरों की बोली के बारे में सीख रहे हैं। पता नहीं क्या यहाँ कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, मेरे स्कूल में। जी सर, आप जानते हैं ना लोला कैसी है, वो कभी कोई कायदे नहीं मानती। मुझे वाकई लगता है कि उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जल्दी करो, अभी मेरा लॉकर सबसे कम महफूज जगह है। तुम्हें क्या लगता है ये जगह कैसी है शेल्टर के लिए? सैटर्न और प्लूटो ने अभी क्रॉस ही किया है, हम लोग पकड़े जाएंगे। नहीं रुको, हम सब सही कर देंगे। मैं टीचर से बात करूंगी, वो जरूर समझेंगे। जानवर स्कूल में नहीं हो सकता। छोड़ो, तुमने उन्हें कहाँ रखा है? कसरत के कमरे में, जिम में। ओ लोला, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल सही है, पर तुम्हें समझना होगा ये कायदे के बिल्कुल खिलाफ है। तुम्हें इन जानवरों को बाहर करना होगा हेडमास्टर के ढूंढने से पहले। लोला, क्या ये जानवर तुम्हारे हैं? शायद। अरे अभी की अभी हटाओ और मेरे ऑफिस में आओ जल्दी।
फंस गई मैं। कचरे का थैला मुझसे छू गया, कितना गंदा है। मुझसे दूर रहो बालों के गुच्छे। इस पर उंगली उठाने की हिम्मत मत करना, ये बस एक बेचारी बिल्ली है। इतना सारा काम, मेरी अम्मी को कॉल और मेरी किताब में ये काला निशान, ये सब वर्जीनिया की वजह से। सुनो वो देखो, वो बर्नार्डे है, सुपर मॉडल और एनिमल लवर। हिना तुम मदद नहीं कर रही हो। लोला तुम समझ नहीं रही हो, ये एक जादुई लम्हा है, देखो उसने वहाँ से देखा है। तुम दोनों ही टॉरस हो और दोनों को ही जानवरों से लगाओ है, इसका कुछ तो मतलब है। हिना कुछ भी, देखो मुझे सिर्फ ये जादू दिखाई दे रहा है कि वो और उसके पापी दोनों ग्रैंड होटल में है। जब हम सड़क पर निकलेंगे तो हमारे जानवरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लोला, लोला कहाँ है? मुझे बर्नाडे से बात करनी है, ये जरूरी है। लोला हर जगह अपना मजाक बनवाती हो, क्या हुआ वो तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहे? ओह कितनी शर्म की बात है। वैसे मैं और मेरी वालिदा ने बर्नाडे के साथ चाय पी और उन्होंने मुझसे फरियाद की कि मैं फैशन शो में हिस्सा लूं। तुम जानवरों से नफरत करती हो। हाँ पर ये फैशन शो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं टीवी अखबार में बहुत अच्छी लगूंगी। फ्रेड एक आम सा लड़का जिसके पास है शेप शिफ्टिंग रोबोट। तो भी चलेगा? नहीं। एजेंट नबीहा और दूसरे मुहाफिज मिलकर बचाते हैं प्लैनेट को लूनी एलियन से। घूमो स्पेसशिप्स, एलियंस और मॉन्स्टर्स की अजीबोगरीब दुनिया लड़की फ्रेड के साथ। अब उर्दू में सिर्फ टोन्स पाक पर। चलो चलो, हमें अभी हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटीशियन, मैनिक्योरिस्ट्स के पास जाना है और वो सबसे पहले हमें जानवर भी खरीदना है। और भी कितने काम है जो करने हैं। Mirror, mirror on the wall, who is going to be the belle of the ball? Meh. Achoo! तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरा अच्छा खासा फैशन शो खराब कर दोगी। मैं क्या कर रही हूँ? सुनो वर्जीनिया, मैं आई थी बर्नाडे से बात करने इन जानवरों के घर के लिए, और अगर इससे फैशन शो रुकता है तो तुम्हें अपना डेब्यू रोक देना चाहिए। मेरा फैशन शो सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्जीनिया, मुझे बाहर आने दो। वर्जीनिया! लेटिसिया और उनका प्यारा सा कछुआ बायांका ने पहना है रेशम से बना कपड़ा और अब शाम की वो खूबसूरत मॉडल जिनका सबको बहुत देर से इंतजार था, वर्जीनिया अपने छोटे कुत्ते लाइका के साथ। वर्जीनिया और लाइका ने पहना है मशहूर फैशन डिजाइनर एमिलियो टोपी का बनाया हुआ लिबास। ये ठीक नहीं है। प्यारी बिल्ली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जाओ बिल्ली, कूदो, कुर्सी पर कूद जाओ। प्यारी बिल्ली। Impossible. वो तो दो साल पहले ही खो गई थी। गंदे जानवरों, देखो तुमने मेरे एमिलियो टोपी के साथ क्या किया, मुझे तुमसे नफरत है। बिल्लियों से नफरत है, मैं सारे जानवरों से नफरत करती हूँ।
करो। तुम मेरे पीपो के साथ में क्या कर रही हो? उसे अभी के अभी छोड़ दो। क्या क्या ये आपकी है? पीपो, तुम कहाँ चली गए थे? तुम्हें किसने ढूंढा? अरे मैंने ढूंढा इसे। जैसे ही मैंने इसे देखा मैंने कहा, अरे ये तो बर्नाडे की बिल्ली है। अच्छा, मुझे जानवरों से प्यार है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शुक्रिया वर्जीनिया, शुक्रिया जो तुम मेरे पीपो को घर वापस लाई। चलो वर्जीनिया को थैंक यू बोलो पीपो। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बिल्ली ने जो भी नुकसान किया। वैसे ये बिल्ली तुम्हारी कब से हो गई? बहरहाल सच ये है कि मुझे सड़क पर मिली थी, एक कूड़े वाली गाड़ी इस पर से गुजरने ही वाली थी। नहीं, इसकी बात मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है, ये फैशन शो को रोकना चाहती थी। ये झूठ बोल रही है, मैं बस आपसे बात करना चाहती थी। शहर में बहुत सारे बेसहारा जानवर हैं। मैं और मेरे दोस्त इनके लिए घर बनाना चाहते हैं। मैंने सोचा आप मदद कर पाएंगी हमारी। सैन लोरेंजो घर बेसहारा जानवरों के लिए अब एक हकीकत है। शुक्रिया लोला और बर्नाडे, दो सच्चे लोग जानवरों को प्यार करने वाले। मैं सोच रही हूँ कि दोबारा फैशन शो करने के लिए कौन पैसे लगा सकता है, पर पहले मैं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए कुछ करो। जानेवन, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रही हूँ ये कमरा साफ करने के लिए।